बड़ी खबर इस वक्त 7 जून को एनडीए संसदीय दल की बैठक, जो जानकारी दिल्ली से इस वक्त सामने आती हुई, 15 छोटे बड़े दल समर्थन देंगे और ये सूत्र कह रहे हैं 7 जून को सरकार बनाने का दावा जो है वो रखा जाएगा और इसे लेकर मोदी संसदीय दल के नेता चुने गए हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आती हुई तो प्रधानमंत्री आवास पर बैठक खत्म हो चुकी है और ऐसे में जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, 7 जून को 5 बजे एनडीए नेताओं को बुलाया गया है, 15 छोटे बड़े दल समर्थन देंगे राष्ट्रपति भवन से, शाम 5 से 7 बजे का जो वक्त है वो बताया जा रहा है दिया गया है। एनडीए ने नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से नेता चुना है, राष्ट्रपति से मिलेंगे एनडीए के सभी सहयोगी दल। जो बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त, एनडीए नेताओं को बुलाया गया है। जी हां, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस बैठक की, जो बैठक खत्म हो चुकी है और राष्ट्रपति ने एनडीए नेताओं को बुलाया है। जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, 7 जून को 5 बजे एनडीए नेताओं को बुलाया गया है, 15 छोटे बड़े दल समर्थन जो है वो देने वाले हैं राष्ट्रपति भवन से। वक्त की भी जानकारी सामने आती हुई कि 5 से 7 बजे के बीच का वक्त कुछ बताया जा रहा है, जब निमंत्रण दिया गया, आमंत्रण दिया गया है, राष्ट्रपति से मिलेंगे एनडीए के सभी सहयोगी दल। इस दौरान 7 जून की तारीख जब एनडीए संसदीय दल की बैठक भी, और इस बैठक में 15 छोटे बड़े दल जो हैं वो समर्थन देंगे। हालांकि ये समर्थन एक तरीके से सभी दलों की तरफ से दे दिया गया है, लेकिन जिस प्रक्रिया की बात होती है उस प्रक्रिया के तहत ये माना जा रहा है कि 7 जून को ये तारीख जब एनडीए की तरफ से, हालांकि मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है और जो तारीख तय कर दी गई है वो 7 जून की है, जब एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी और उस बैठक के बाद जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है नई सरकार को लेकर, सबसे बड़ी खबर इस वक्त तक की अपने दर्शकों को बता दें, नई सरकार को लेकर सबसे बड़ी खबर, जहां सरकार बनाने की कवायद एक तरफ बेहद तेज हो चुकी है, 7 जून को एनडीए संसदीय दल की बैठक और एनडीए ने मोदी को अपना संसदीय दल का नेता भी चुन लिया है। सुबह 11 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी और हमारे साथ इस वक्त दिल्ली संवाददाता पवन गौड़ जुड़ चुके हैं। पवन, एक बड़ी जानकारी और बड़ी तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम बदलता हुआ भी, अब यह कहा जा रहा है कि 7 जून को सुबह 11 बजे संसदीय दल की बैठक होगी। देखिए, जाहिर तौर पर अब से थोड़ी देर पहले जो प्रधानमंत्री आवास पर एनडीए घटक दलों की बैठक हुई, उसमें 3 बड़े फैसले लिए गए। सबसे पहला फैसला जो था कि सभी जो घटक दल हैं उन्होंने अपना समर्थन पत्र जो है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपा कि वो एनडीए के साथ, एनडीए घटक दल सब एक साथ हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो सरकार बनाने को सब फिर से तैयार हैं। दूसरा जो था वो सभी एनडीए घटक दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुन लिया है, ये भी इस बैठक के अंदर हुआ। और तीसरी बात जो है वो एनडीए घटक दलों के साथ में जो है बीजेपी से 3 बड़े नेता जो हैं वो बातचीत करेंगे, किस तरह से घटक दलों के जो दल हैं उनको शामिल किया जाएगा, किस तरह से एकोमोडेट किया जाएगा।